वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आज हम काफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो लेक्चर होगा वह लेक्चर होगा कंपनी वर्सेज वायलेंस सेफ्टी। जी हाँ, कंपनी वर्सेज वायलेंस सेफ्टी, वायलेंस अर्थात हिंसा। हर एक कंपनी के अंदर कुछ न कुछ वाद विवाद हुआ करते हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आया करती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्या प्रावधान होता है, इन पर कैसे नियंत्रण किया जाए, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे और ये जानेंगे। हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर ट्रेनिंग जो क्लासेज है, जिसका मकसद है आपको बेहतर बनाना, आपके अंदर वह क्षमता डेवलप करना जिससे आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सके और एक बेहतर हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर साबित कर सके अपने आप को और बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वायलेंस की बात की जाए तो वायलेंस अर्थात एक तरह का हिंसा है, एक तरह की ऐसी गतिविधि है जिसका रिजल्ट जो आता है वह काफी पेनफुल आता है। तो अगर कंपनी वर्सेज वायलेंस सेफ्टी की बात की जाए तो हमारे सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे और फिर उसका जवाब क्या होगा ये भी जानेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे ये प्रश्न उठता है कि वायलेंस है क्या, वायलेंस किसे कहेंगे। वायलेंस को हिंदी में हम हिंसा कहते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं वायलेंस को हिंदी में हिंसा, अर्थात एक ऐसी गतिविधि जिसमें कुछ वाद विवाद के बाद चोट नजर आता है। तो अगर इसे डिफाइन करना हो, इसे परिभाषित करना हो तो आप कह सकते हैं एक ऐसी गतिविधि जिसका परिणाम किसी न किसी प्रकार का चोट या इंजरी होता है, वायलेंस या हिंसा कहलाता है। यानी वायलेंस में ये जरूरी है कि वह किसी न किसी प्रकार का नुकसान होना पाया जाना चाहिए, तभी वह वायलेंस की कैटेगरी में आएगा, तभी वह वायलेंस की श्रेणी में आएगा। जैसे एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं तो एक्सीडेंट में कोई ना कोई नुकसान होना अनिवार्य है, यदि नुकसान नहीं है तो वह एक्सीडेंट नहीं कहलाता है। ठीक उसी तरह से वायलेंस में किसी न किसी तरह का नुकसान होना जरूरी है, यह किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है, इंजरी हो सकता है। तो वायलेंस को डिफाइन करते समय यह स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर आपका ये होगा, एक ऐसी गतिविधि, ठीक है, एक ऐसी एक्टिविटीज जिसका रिजल्ट यानी परिणाम किसी न किसी प्रकार का चोट या इंजुरी होता है, वायलेंस या हिंसा कहते हैं। अब बात कर लेंगे हिंसा का स्वरूप, यानी वायलेंस का जो स्वरूप है वह अलग अलग हो सकता है, जैसे डायरेक्ट स्ट्रक्चरल हिंसा और कल्चरल हिंसा। यानी जो वायलेंस होता है डायरेक्ट वायलेंस भी हो सकता है, स्ट्रक्चरल वायलेंस भी हो सकता है और कल्चरल वायलेंस भी हो सकता है, इसके स्वरूप बदल रहे हैं। ये तीन तरह के स्वरूप में हमारे समाज में देखने को मिलता है और कंपनी में ये तीन रूपों में आपको मिलेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और वायलेंस को थोड़ा सा और भी विस्तार से समझेंगे। सामान्यतः हिंसा कितने प्रकार का हो सकता है, यानी वायलेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। यदि बात की जाए टाइप्स ऑफ वायलेंस की या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वायलेंस, तो हम इसका जवाब कैसे देंगे, क्या सही जवाब होगा इसका, वह कुछ इस तरह का होगा। जब हिंसा अर्थात वायलेंस के प्रकार की बात होती है तो देश, काल और वातावरण के अनुसार हिंसा को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे क्रमशः डायरेक्ट वायलेंस, स्ट्रक्चरल वायलेंस और कल्चरल वायलेंस के नाम से जाना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वायलेंस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। द फर्स्ट विल बी डायरेक्ट वायलेंस, सेकेंड विल बी स्ट्रक्चरल वायलेंस एंड थर्ड विल बी कल्चरल वायलेंस। ये तीन तरह के वायलेंस है जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, चाहे हम कंपनी की बात करें या डोमेस्टिक की बात करें या किसी भी जगह की बात करें, किसी भी स्थान की बात करें, यदि वायलेंस शब्द वहां पाया जाता है तो निश्चित रूप से इसी तीनों में से कोई एक, कोई ना कोई एक वायलेंस होगा। यानी वह हिंसा का जो प्रकार हो सकता है डायरेक्ट का हो सकता है, स्ट्रक्चरल बेस हो सकता है और कल्चरल बेस हो सकता है। ये तीन तरह के वायलेंस आपको देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वायलेंस इन कंपनी, कंपनी के अंदर वायलेंस की क्या संभावना होती है, क्या पॉसिबिलिटीज होती है। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वह हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर क्या करता है, ये तमाम तरह की कंट्रोवर्सी को रोकने का काम करता है। एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी बनती है कि वह कंपनी में किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी, किसी भी तरह के हिंसा न होने दे और उसे रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाए।
तो हमारे पास कुछ इस तरह की अगर बात आती है कि एक कंपनी के अंदर वायलेंस की संभावना है या नहीं, ये क्वेश्चन है, एक कंपनी के अंदर वायलेंस की संभावना है या नहीं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, किसी कंपनी में के अंतर्गत या किसी कंपनी में हिंसा की संभावना है या नहीं। तो इसका जवाब कुछ इस तरह का होगा, जब भी हम वायलेंस की संभावना को तलाशते हैं, जी हाँ डियर स्टूडेंट बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भी हम वायलेंस की संभावना को तलाशते हैं, ढूंढते हैं, तो यह पाया जाता है कि हिंसा कभी भी कहीं भी जन्म ले सकती है और काफी नुकसान पहुंचा सकती है। यानी हिंसा के लिए कोई विशेष माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, कोई निश्चित प्रिंसिपल अपनाने की जरूरत नहीं है, वाद विवाद झगड़े कहीं भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, किसी भी स्थिति में हो सकते हैं। इसका अब तक कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कब झगड़े हो सकते। जरा एक एग्जांपल के तौर पे देखें, आप कहीं जा रहे हो, आप किसी भीड़भाड़ वाली जगह में ऐसे नॉर्मल जा रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को आपसे उलझना है तो वो सीधे से कहेगा, अरे भाई तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, तुम मुझे देख क्यों रहे हो। अब इसी बात पर वाद विवाद शुरू हो जाएगी और देखते ही देखते ये वायलेंस की कैटेगरी में चला जाएगा, फिर इंजरी होगा, एक्सीडेंट होगा, ये तमाम तरह की गतिविधियां आपको वहां मिलने लगेगी। यदि कंपनी की बात की जाए तो कंपनी के अंदर हिंसा होने की प्रबल संभावना है, इट मींस स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज ऑफ वायलेंस इन कंपनी। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा कंपनी में वायलेंस होने की संभावना होती है। वजह क्या है सर, क्यों संभावना होती है, अधिक संभावना होती है? अब इसका वजह क्या है, वहां अलग अलग डिसिप्लिन के लोग काम करते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग काम करते हैं, अलग अलग नेचर के लोग काम करते हैं। तो जरा सोचिए, जब दो या दो से अधिक अलग अलग डिसिप्लिन के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ काम करेंगे तो वहां पे वायलेंस होने की संभावना काफी अधिक होती है। लेकिन फिर भी कंपनी इस पर नियंत्रण करती है, इसे रोक लगाने के लिए अपने नियम कानून और पॉलिसी को मजबूत बनाती है। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पास आए तो हमें इस बात को जानना चाहिए कि कंपनी के अंदर वायलेंस की संभावना काफी अधिक होती है किसी अन्य प्लेसेस की अपेक्षा। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे, प्लेसेस ऑफ वायलेंस, वह कौन से स्थान होते हैं जहां पे वायलेंस होने की संभावना है। यदि आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि कंपनी में वह कौन सा स्थान है जहां पे वायलेंस या हिंसा होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या वे कौन से प्लेसेस हैं, वे कौन से स्थान है जहां पे हिंसा होने की संभावना होती है, तो अगर कुछ क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने आए, वह कौन सा स्थान है जहां हिंसा की प्रबल संभावना होती है, तो इसका जवाब कुछ आपका इस तरीके से होगा, वह प्रत्येक स्थान जहां पर एक समूह विशेष के साथ कार्य किया जाता है वहां हिंसा होने की संभावना बनी रहती है। कौन कौन सा स्थान हो सकता है, जैसे कैश काउंटर, टिकट काउंटर, हॉस्पिटल, पब्लिक प्लेस, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, ड्राइवर, फायर फाइटर, लोन वर्कर इत्यादि। ये कुछ ऐसे स्थान है, कुछ ऐसे प्लेसेज हैं जहां पे वायलेंस अक्सर देखने को मिल जाता है, हिंसा की गतिविधि मिलती है। अब मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, सपोज करिए कैश काउंटर पर आप हैं, काफी लोग हैं और अपना पेमेंट लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ये कैश काउंटर कंपनी का हो सकता है, ये कैश काउंटर बैंक का हो सकता है, ये कैश काउंटर पब्लिक का भी हो सकता है। तो कैश काउंटर पे अगर पब्लिक है, वहां पे कैश हैंडलिंग की जा रही है, तो वहां पर किसी न किसी बात विवाद को लेकर के वहां वायलेंस हो सकता है, हिंसा हो सकता है। सपोज करिए कि सभी लोग एक लाइन में लगे हुए हैं, एक क्यू में लगे हुए हैं, और अचानक कोई ऐसा पर्सन आता है जो सबसे पहले कैश लेना चाहता है, तो वहां पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उसका विरोध करेंगे, जो प्रतिरोध करेंगे, और जिसका नतीजा क्या होगा, हिंसा हो सकता है, मारपीट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि वायलेंस के लिए वह प्लेस किस तरह से जिम्मेदार होते हैं, चाहे वो कैश काउंटर हो, चाहे वो टिकट काउंटर हो, हॉस्पिटल हो, पब्लिक प्लेस हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, ड्राइवर हो, फायर फाइटर हो, लोन वर्कर हो या पुलिस हो, ये इन लोगों के साथ वायलेंस होने की संभावना काफी अधिक होती है। इसके साथ साथ अगर कोई सोशल एक्टिविटीज करने वाला सोशल वर्कर है, उसके साथ भी वायलेंस होने की काफी संभावना होती है। अब बात करते हैं वायलेंस सेफ्टी कैसे करेंगे, हिंसा को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या उपाय करना चाहिए, क्या इसे रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वायलेंस को रोका नहीं जा सकता है, वायलेंस की स्थिति को, वायलेंस की परिस्थिति को कम जरूर किया जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो आपके सामने,
हिंसा रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हिंसा रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से होगा, वायलेंस या हिंसा रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, सावधानी, सतर्कता, प्रॉपर ट्रेनिंग, सीसीटीवी कैमरा और एक प्रॉपर सिस्टम का प्रावधान होना चाहिए। यदि हम इस तरह की व्यवस्था रखते हैं, इस तरह के संसाधन को स्टेप बाय स्टेप मैनेज करते हैं, तो निश्चित रूप से हम हिंसा को रोकने में, कम करने में कामयाब होंगे। हिंसा कब और कहां शुरू हो जाएगा यह बता पाना बहुत ही मुश्किल है। सावधानी और सतर्कता ही ऐसे विकल्प हैं जिससे हिंसा को कम किया जा सकता है, वायलेंस को कम किया जा सकता है, चाहे वह घरेलू हिंसा हो या कंपनी के अंतर्गत हो या कोई पब्लिक प्लेस की बात हो। तो सावधानी और सतर्कता इसके दो मूल उपाय हैं और इसके साथ साथ एक प्रॉपर सिस्टम। अब पब्लिक प्लेस पर आपका कोई प्रॉपर सिस्टम आपका वर्क नहीं करता है, जबकि एक कंपनी के अंदर एक पॉलिसी, एक प्रॉपर सिस्टम वर्क करता है। तो दोनों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो कंपनी में वायलेंस को कम करना, वायलेंस को रोकना काफी हद तक आसान हो जाता है, जबकि एक पब्लिक प्लेस पर हिंसा को या वायलेंस को रोकना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। अब बात करेंगे वायलेंस सेफ्टी इन कंपनी। अगर वायलेंस सुरक्षा की बात की जाए कंपनी के अंतर्गत, तो हमें क्या क्या करना चाहिए, कंपनी में वायलेंस सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए, इस तरह का प्रश्न आपके सामने आए, तो आपका स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर क्या होगा, इसके बारे में एक नजर देखते हैं। कंपनी में वायलेंस सेफ्टी के लिए जो हमें करना है, हम क्या कर सकते हैं, किसी कंपनी में वायलेंस या हिंसा न हो इसके लिए कंपनी की पॉलिसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जी हाँ डियर स्टूडेंट, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कंपनी की पॉलिसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पॉलिसी अपनी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है किसके लिए, वायलेंस को रोकने के लिए। इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं, कंपनी में हिंसा रोकने के लिए पॉलिसी के साथ साथ प्रॉपर ट्रेनिंग का भी प्रावधान होना चाहिए। यानी जब भी कोई भी नया व्यक्ति हो या फिर जो है काम करने वाले लोग हैं, तो ये तो हमें मालूम है कि यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो हमें इनका सोचने का तरीका भी अलग होगा, इनका बिहेव भी अलग होगा, बिहेवियरल इशू भी आएगा। तो हमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है जिसमें इस बात को बताया जा सके कि भले ही हम अलग अलग कल्चर से हों, भले ही हमारी जो भूमिका है वो अलग अलग क्षेत्रों से है, लेकिन इस कंपनी के अंतर्गत हम सबको एक जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी की पॉलिसी ये है। यदि हम कंपनी की पॉलिसी तोड़ते हैं तो हमारे पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी एक्टिविटीज अप्लाई किया जाएगा। हो सकता है कि आपको नौकरी से हटा दिया जाए, हो सकता है कि आपके जो बचे हुए पैसे हैं वो भी जब्त कर लिया जाए और आप पर कानूनी कार्रवाई हो। तो तमाम तरह की इस तरह की ट्रेनिंग का भी होना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि हम हिंसा को कम कर सकते हैं। ये जरूरी है कि हर व्यक्ति को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन हो, प्रॉपर जानकारी हो। तो वायलेंस एक ऐसी एक्टिविटीज है, हिंसा एक ऐसी गतिविधि है जो कभी भी कहीं भी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि वायलेंस कब होगा, कैसे होगा और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। तो वायलेंस रोकने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल है, वह रोल है सबसे पहला अगर कंपनी के अंतर्गत बात की जाए तो वो होती है आपकी पॉलिसी, इसके बाद सावधानी, सतर्कता, प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर इंस्ट्रक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज वायलेंस से रिलेटेड जो सुरक्षा है, वायलेंस से संबंधित जो स्थितियां, परिस्थितियां बनती हैं, हर एक पहलू के बारे में अब तक आप वाकिफ हो चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसी के साथ हम इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक